बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है असाफ और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है वाइल्ड कॉल्ड। ये मैं पहले आप लोगों को इसके बॉक्स दिखाता हूँ, बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस ब्रांड की ये दूसरी फ्रेगरेंस है जो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले जो इसकी एक आई थी ग्री एरिक के नाम से, उसका रिव्यू मैंने बनाया आप लोगों के लिए, बहुत ही कमाल की और बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। बट दिस वन मुझे लग रहा था कि यार इन दोनों में से ग्री एरिक जो है ना वो विन कर जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली इसके ना क्रिश्चियन डियोर के ग्री डियोर का बेसिकली वो क्लोन था। और ये ग्री डियोर वैसे ही एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेगरेंस है, बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होने की वजह से लोग इसे ज्यादा बाय नहीं कर पाते। लेकिन जो ग्री एरिक है वो एक कम प्राइस के अंदर बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन थी, तो मुझे लगा कि इन दोनों में से वो फ्रेगरेंस जीतेगी। बट जब मैंने इस्तेमाल की ना वाइल्ड कॉल्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं इसकी परफॉर्मेंस से, इसकी हर चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं। 200 ml का ये बॉक्स और बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का, आप ये देख सकते हैं। वाइल्ड बेसिकली ये इस तरह है, यहाँ पे वाइल्ड ऊपर लिखा हुआ है, ये वाइल्ड कॉल्ड लिखा हुआ है, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है असाफ। और ये जो सबसे मजे की बात है, ये 200 ml बॉटल है, ठीक है। ये फ्रंट हो गया, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई। टॉप के ऊपर ये बेसिकली इनके ब्रांड का लोगो है, बॉटम पे ब्रांडिंग वगैरह है, थोड़ा सा लोगो है। इसकी प्रोडक्शन डेट है जो कि है जनवरी 2024 भी, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, रिसेंट ही है। ये टोटल इसका बॉक्स हो गया। एक जो चीज़ मुझे इनकी वो लगी, डिफरेंट सी लगी, कि इसके अंदर जो बॉटल है ना, बॉटल वो बहुत ही ज़्यादा स्नग फिट है, बहुत ज़्यादा स्नग फिट पड़ी हुई है। मतलब आप देखें जब इसको निकालें तो ये इसके जो अंदर ब्लैक कलर का एक वो प्रोटेक्शन सा कवर आप कह लें, उससे बिल्कुल स्नग फिट है, ठीक है। ये टोटल इसका बॉक्स हो गया। और ये रही इसकी बॉटल, ये बॉटल आप इसको देख सकते हैं। ये फ्रंट पे इसके वाइल्ड कॉल्ट लिखा हुआ है, ये असाफ लिखा हुआ है 1988, ये असाफ, ये ऊपर बेसिकली ग्लास के ऊपर ही लिखा हुआ है। ये साइड खाली, ये बैक साइड खाली, तीसरी साइड खाली, बॉटम पे बस थोड़ी सी ब्रांडिंग। और ये इसका फ्रंट हो गया जिसके ऊपर वाइल्ड कॉल्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो कैप है इसकी वो लाइट वुडन कैप है, जिस तरह ग्री एरिक की थी, लाइट वुडन कॉक की तरह की इसकी वो कैप है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक लेजर के थ्रू 1988 लिखा हुआ है, और अंदर ये प्लास्टिक है जो कि इसके ऊपर स्नग फिट आ जाता है। आप इसको कैप से उठा सकते हैं बट स्टिल। और स्प्रेयर इसका ब्लैक कलर का बहुत बड़ा स्प्रेयर है, मतलब काफी बड़ा स्प्रेयर है। एक आम परफ्यूम से अगर आप कंपेयर करें, अगर आप एक आम परफ्यूम से कंपेयर करें तो ये देखें, ये छोटा सा स्प्रेयर है इसका, ये काफी बड़ा स्प्रेयर है इसका, ठीक है। और क्योंकि इसका स्प्रेयर बड़ा है तो इसीलिए इसका जो जूस है वो भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैंने इस परफ्यूम को फर्स्ट टाइम जब इसको खोल के अपने दोस्त को चेक कराई, और मैंने उसको कहा यार ये आप चेक करो, इसको लगाओ, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ही वॉज रियली सरप्राइज्ड। और उसने कहा कि यार अदील भाई मैं भी ये फ्रेगरेंस मंगवाऊंगा आपसे, ठीक है। ये फ्रेगरेंस बेसिकली सऊदी ब्रांड है और पाकिस्तान में फिलहाल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपको मैंने बेसिकली ये खावर भाई से ली, ठीक है। खावर भाई जो अल रिहाब के परफ्यूम्स को भी पाकिस्तान के अंदर डील करते हैं, उनसे ये मैंने मंगवाई, और ये आपको भी मंगवा कर दे सकते हैं ये बॉटल वो, ठीक है। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं नीचे उनका नंबर दे दूंगा, उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो ये आपको परफ्यूम मिल जाएगा। जो सबसे मजे की इसकी मुझे बात लगी कि मैंने ये सोचा था कि यार अगर तो पसंद ना आई तो 200 ml जूस कहाँ करेंगे, फिर मैंने सोचा यार अगर पसंद आ गई तो 200 ml जूस, मतलब इसकी प्राइस को 15,000 रुपये से नीचे नीचे है, 15,000 रुपये आप कर लें सऊदी रियाल की प्राइस, फिर जो बंदा लेकर आएगा उसके कैरियर चार्जेस, फिर उसकी जाहरी बात है जब आप तक पहुंचेगी तो 400 से 500 रुपए तो उसके भी चार्जेस लगेंगे, तो मिला जुला के को 15,000 रुपए आप इसकी प्राइस अपने माइंड में रखें, ठीक है। कम से कम मतलब 15,000 रुपए तक माइंड में रखें, क्योंकि कभी इनकी इनकी वेबसाइट पे भी इनकी प्राइसेस चल रही होती हैं, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये 200 ml बॉटल है, 200 ml। मुझे सिर्फ एक सिक्योरिटी थी, एक वो था कि यार 200 ml किधर करेंगे हम जूस अगर ये पसंद आई। दोनों मुझे बहुत बेहद पसंद आई है, और सिर्फ मुझे नहीं मेरे कुलीग्स को पसंद आई है। और सरप्राइजिंगली मैंने जब ग्री एरिक इस्तेमाल की तो मुझे लगा कि यार ये सबको ज्यादा पसंद आई है, बट जिस दिन मैंने ये लगाई
जितनी तारीफें इसकी हुई ना, वो मतलब ग्री एरिक उसके सामने फिर कुछ भी नहीं थी। उसकी भी तारीफें हुई थी लेकिन इसकी तारीफें बहुत ज्यादा हुई थी, जो कि मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली लिटरली आपको ऐसा फील होता है जिस तरह रेस्प बेरी का एक स्पेसिफिक जूस होता है, रेस्प बेरी का, जो कि खट्टा होता है, तुरश होता है। तो उसके साथ साथ आपने रेस्पबेरी जूस तो पिया ही होगा, ठीक है, वो निहायत खट्टा होता है, फ्रेश होता है, और बेरीज की तरह का उसका ना एक एक तुरश सा, अब मैं उसको किस तरह आप लोगों को कहूं, बस वो ब्लूबेरी रेस्पबेरी का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आ रही होती है। समहाउ आप इस तरह करें जैसे आपने खट्टी स्ट्रॉबेरियों को ना निचोड़ कर पानी में डाला हो, तो वो जो एक खट्टा सा स्ट्रॉबेरीज का एक वो जो खुशबू आ रही होगी ना आपको, समहाउ उस तरह की मिलती जुलती थोड़ी सी सॉल्टी सी खुशबू वो इसके स्टार्ट में आती है। लेकिन जो चीज इसको डिफरेंट बनाती है वो ये है कि उस रेस्पबेरी के साथ आपको सेफ्रॉन की एक खुशबू आती है, और सेफ्रॉन की खुशबू इसमें किस तरह है, बर्न्ट मैच स्टिक की तरह, थोड़ी सी बर्न्ट वुड प्लस बर्न्ट मैच स्टिक प्लस वाइट स्मोक, ठीक है, इस तरह की खुशबू सैफरॉन की इसके अंदर आती है जो कि रेसबेरी के साथ अटैच है। ये इतना कोई यूनिक और इतना कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है जो कि आपको आप कह सकते हैं कि सिट्रसी, खट्टा एंड वॉर्म स्पाइसी एट द सेम टाइम, यानी इसको आप कह सकते हैं कि फ्रेश और एक वॉर्म स्पाइसेस का एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनाया गया है। सेकेंड फेज के अंदर जाकर जो रेस्पबेरी है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, और जो सैफ्रॉन का नोट है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बर्न्ड मैचस्टिक की तरह, एक बर्न्ड वुड्स की तरह, एक वाइट स्मोक की तरह की जो खुशबू है वो टोन डाउन टोन डाउन टोन डाउन होती जाती है, रेसबेरी की खुशबू थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती जाती है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद एक लेदर इंट्रोड्यूस होता है इसके अंदर, थर्ड फेज के अंदर एक लेदर भी इंट्रोड्यूस होता है जो कि इरिटेटिंग सा एट द सेम टाइम रफ लेदर होता है, और वहां पे भी रेसबेरी का एक बहुत ज्यादा टच आ रहा होता है, लेकिन वो रेसबेरी टस्कन लेदर वाली नहीं है और ना वो लेदर टस्कन लेदर वाला है, ये लेदर रफ सा लेदर है, एक पॉलिश्ड लेदर की तरह नहीं है जो कि टस्कन लेदर में फील होता है, और ना ही ये जो इसकी रेसबेरी है वो टस्कन लेदर की तरह एक वार्म रेसबेरी है, ये बिल्कुल फ्रेश फिजी फिजी खट्टी खट्टी सी एक रेसबेरी का टेस्ट आता है, ठीक है। तो उस वजह से ये स्टार्ट से एंड तक बहुत ही डिफरेंट रही, और हवा के अंदर इट इज रियली मैजिकल। व्हाई व्हाई इट्स मैजिकल, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। भाई एज की मैं इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगूंगा, हाँ ये थोड़ा सा खट्टा सीरपी है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, यंगस्टर्स और मिडिल एज के लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा सूट करेगा। जो हो गए ना आपके, मैं आपको शेल्फ पे रख के भी दिखा देता हूँ, ये बॉटल बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है। जो आपके ओल्ड एज वाले हैं शायद वो इस तरह की एक रेसबेरी टाइप जो है ना वो खुशबू को शायद शायद की बात है ज्यादा उन पे सूट ना करे, ये बेसिकली यंगस्टर्स की और मिडिल एज के लोगों की फ्रेग्रेंस है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, और उसकी रीजन ये है कि मैं जब ये अपने ऑफिस लगा कर गया, मैंने जिस भी फीमेल को चेक कराई उसने ये लगाना पसंद की, उन्होंने कहा जी हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये मेल फ्रेग्रेंस है या फीमेल फ्रेग्रेंस है, भाई हम तो लगाएंगे, और उन्होंने ये लगाई। बल्कि एक फीमेल एक दिन ये लगा कर गई, और नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आई तो उन्होंने कहा गया दिल रात तक मुझे अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आती रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, ये कितने की है, ये मुझे भी मंगवानी है अपने लिए, ऑफिस के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि मुझे घर वाले भी कह रहे थे कि आपने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो मेल फीमेल दोनों फ्रॉम माई साइड, बट जो इसके अंदर एक सैफ्रॉन की प्रेजेंस है, जो कि एक मैंने आप लोगों को बर्न्ट मैच स्टिक, एक वुडी बर्न्ट वुडी प्लस एक व्हाइट स्मोक की जो खुशबू है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा मैस्कुलिन साइड पे ज्यादा जाता है, ठीक है। बट स्टिल मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे जो इसकी लॉन्गजीविटी मिली अपने कपड़ों के ऊपर, मैंने आज बल्कि इन कपड़ों पर ये फ्रेग्रेंस यहां पर लगाई भी थी, और अभी तक मुझे इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है, भाई मैं बहुत भी खींच के मार्क्स दूं ना, बहुत भी खींच कर, तो इसकी 8 घंटे लॉन्गजीविटी है। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की,
तो भाई तीसरे घंटे में मुझे एक दोस्त मुझसे 2 मीटर दूर खड़ा था, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैंने एक परफ्यूम लगाया हुआ है, मैं चाहता हूँ वो, मतलब आपको इसकी खुशबू आ रही है, क्योंकि मुझे तो प्रॉपर इसके विफ्स आ रहे थे। तो ही सेड यस अदील भाई खुशबू आ रही है। मैंने कहा सीरियसली करीब आ जा रहा यहाँ से चेक कर, तो कहा हाँ हाँ खुशबू आ रही है। एंड आई वॉज सरप्राइज कि वो तीसरे घंटे में भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट कर रहा था, इट इज दैट मच स्ट्रॉन्ग। इसकी कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो है तो ये उदीपफा है, तो ये उदीपफा, लेकिन जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ही एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ये उदीपफा होने के साथ साथ प्रोजेक्ट भी करता है बहुत ज्यादा। वरना ईडीटी ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन उनकी लास्टिंग कम होती है, उदीपफा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उदीपफा लास्टिंग ईडीटी से ज्यादा होती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट में थोड़ा सा फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और इस तरह एक्सट्रेट जो होते हैं, एक्सट्रेट उनकी लॉन्गजिविटी इन तीनों में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन प्रोजेक्शन वो थोड़ा सा हीट चाहिए होती है उनको प्रोजेक्ट करने के लिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जब भी इस तरह करता हूं तो मुझे यही यही मिलता है कि एक्सट्रेट मुझ पर थोड़ा थोड़ा कम चलते हैं। तो लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मैंने इसको सोचा था कि सैफ्रॉन की वजह से मैं इसको कहूंगा कि ये फॉल एंड विंटर की है, लेकिन नहीं, ये विंटर्स के, ये समर्स के अंदर भी उतना ही इक्वली मजा देती है आपको, मतलब बहुत मजा आएगा आपको इसको समर्स के अंदर भी लगाकर। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो मैं इसको ऑफिस में लगाया, जब भी लगाया ऑफिस में भी लगाया, डिफरेंट ओकेजन पे लगाया, मुझे इसने हर ओकेजन पे इक्वली रिस्पॉन्स किया इस फ्रेग्रेंस ने। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया भाई इस प्राइस रेंज के अंदर। रमजान भी है, आप लोग देख लें, ईद के ऊपर आप अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका जल्द से जल्द ऑर्डर करें, ईद के ऊपर आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं, आप लोगों को ये बहुत ज्यादा एंजॉय कराने वाली है ये फ्रेग्रेंस। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ट्राई करें ईद के ऊपर ना। मैं अपनी ईद की एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा इन फ्रेग्रेंसेस को। ठीक है, इसको तो स्पेशली इंक्लूड करूंगा, ये ईद के ऊपर लगाने वाली फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा असाफ ब्रांड का वाइल्ड कॉल। थैंक यू सो मच।